हेलो फ्रेंड्स, मैं मनी। जैसे कि आप मुझे जानते हो, मेरा चैनल है स्विमिंग बाय मनी। दूसरा है टेक्निकल लवली मनी, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। आज हम बैक स्विमिंग की, जैसे कि मैंने हैंड मूवमेंट की पहले वीडियो बनाई थी, तो आज मैं पानी में बनाने वाला हूं और बताने वाला हूं हैंड मूवमेंट और लेग मूवमेंट दोनों एक साथ बताऊंगा। उसके बाद जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी लेग मूवमेंट पे, ठीक है। कोशिश है कि इस वीक में मैं आपको तीन वीडियो दे दूँ, क्योंकि पिछले वीक में मैं एक ही वीडियो दे पाया था। तो फ्रेंड्स चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक बार आपको बाहर से हाथ दिखा देता हूँ कि जो आपने हाथ माने ना, मतलब आप ऐसे हो गए, लेटे हुए, ठीक है। तो ये हाथ पीछे ले जाके इसको इतना ले जाके फिर इसको ऐसे प्रेस करते हैं, मतलब ये एस की तरह यहाँ पे आके प्रेस, ठीक है। ये चीज़, ठीक है, ऐसे ही सेम ये चीज़, ठीक है, ये चीज़, ठीक है। इससे क्या होता है, आप पूरा ऐसे भी लेके आ सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है स्टार्टिंग में, मतलब बिगनर के लिए ये आप पूरा भी ऐसे सीधा लेके आ सकते हो, आप पूरा सीधा चला सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। पर जो टेक्निक्स होती है, जो स्पीड बढ़ाने वाली टेक्निक होती है, वो क्या होता है कि इतना लेके इसको फोल्ड करके फिर ऐसे मारते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप फोल्ड करके इसको मारोगे, इसको यहाँ नहीं मारना। काफ़ी जने यही गलती करते हैं कि जो यहाँ मारते हैं, इसको फोल्ड करके यहाँ तक लेके आना, मतलब कि बॉडी के साथ लेके आना, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलो अब पानी में चलते हैं, और वीडियो में कोई भी कमी हो तो मुझे माफ़ कर देना। तो चलो स्टार्ट करें। एक चीज़ और बता रही है कि डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप ग्रुप है, आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके ऊपर फालतू की कोई भी चीज़ मत डालना, जो आपका सवाल है वो पूछ लेना। अगर आपको स्विमिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप छोटा सा क्लिप बना के मुझे व्हाट्सअप ग्रुप में डाल देना, तो मैं उसके ऊपर आपको क्या कमी है, क्या आपको सुधारना चाहिए, वो मैं आपको उस पर रिप्लाई कर दूंगा। और मेरी इंग्लिश वीक है तो इंग्लिश में मन दिखना मुझे थोड़ा देख लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स पानी में जाके मैं बता दूँ, उससे पहले एक चीज़ बता दूँ कि बैक में आपको फ्लोटिंग आनी जरूरी है, ठीक है। अगर आपको फ्रंट फ्लोटिंग आती है, बैक फ्लोटिंग आती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट, बढ़िया है। तो अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो पूरी फुल बना रहा हूँ, मतलब कि लेग मूवमेंट हैंड मूवमेंट दोनों की बना रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद लेग मूवमेंट की बनाऊंगा अकेली, ठीक है। उसके बाद मैं जो बनाने वाला हूँ वो हूँ डाइविंग की, बैक की डाइविंग। तो चलो अब पानी में चलते हैं, तो आ जाओ पानी में। तो फ्रेंड्स जो मैंने हैंड मूवमेंट बाहर बताई है वही आपने पानी में करनी है, ठीक है। और किक जो करनी है वो पहले मैं किक बता देता हूँ। फ्री स्टाइल की किक करनी है, इसमें नहीं ज़्यादा फोल्ड नहीं करने। और किक करने के लिए आपको हैंड ऊपर करने की जरूरत नहीं, आप सीधा नीचे, आप हल्का सा फ्लोटिंग करके पुश लेके आपको सिंपल किक करनी है, ठीक है फ्रेंड्स। ये किक करनी है आपने, ये जो मैं कर रहा हूँ, और पानी ऐसे ही बाहर आना चाहिए जैसे आ रहा है, ठीक है। और फेस ऊपर रखोगे तो आपकी कमर ऊपर रहेगी, आप जितना फेस ऊपर रखोगे आपकी कमर उतनी ही ऊपर रहेगी। स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम होएगी, धीरे धीरे आप अपने आप प्रैक्टिस करते करते ठीक हो जाएगी, ठीक है। आई होप कि आपको किक समझ में आ गई हो। ये किक वही है जो आप फ्री में करते हो उल्टे होकर, जैसे ये वाली किक करते हो ना, बस यही किक है। इसमें क्या होता है कि इसमें भी यही किक करनी होती है, ये उल्टी होती है, ठीक है। तो अब हैंड मूवमेंट क्या करना है, हैंड मूवमेंट आपने इसको ऐसे लेके जाना है और पुश मारना, ऐसे लेके जाना और पुश मारना है, ठीक है। इसमें एक चीज़ याद रखना है कि जब आप हैंड पानी में लेके जाओगे तो आपने बाहर को सांस थ्रो करना है। रीज़न क्या है, जैसे आप हाथ पीछे ऐसे डुबोगे तो ये जो पानी आएगा, तो ये पानी आपके मुंह पे आएगा तो ये आपके अंदर नहीं जाएगा। और दूसरी बात की ये बात याद रखना कि आपने गलती जो करते हो, हैंड ऐसे नहीं मारना, ये हैंड बैक नहीं लगना चाहिए, इस हैंड के मूवमेंट ऐसे जानी चाहिए पानी में। देखो ऐसे जाएगा तो पानी कम उछलेगा और स्मूथली आप चलोगे, हाथ ऐसे, ठीक है। हाथ की जो हथेली है, ये वाली हथेली बाहर की साइड, और ये बैक जो है वो अंदर की साइड, ये चीज़ ऐसे, ठीक है। तो चलो आप बैक करते हैं, और जैसे हैंड मूवमेंट बताइए हम सेम वैसे ही करेंगे। तो चलो स्टार्ट करें। फ्रेंड्स एक चीज़ और बता दूं कि इसमें भी डॉल्फिन होती है। तो चलो अब करते हैं बैक। ये देखो आपने हैंड मूवमेंट चलानी है आराम से। अगर आपकी लेग और हैंड मूवमेंट सही चल रही है तो आप सीधे जाओगे, देखने की पीछे भी जरूरत नहीं है। अगर आपका एक हैंड गलत चल रहा है तो आप भिंगे हो जाओगे। बॉडी को स्ट्रेट रखना है, ऐसे ऐसे भिंगे नहीं होना, मतलब कि मैं बता देता हूँ, करके दिखा देता हूँ। हैंड मूवमेंट बड़े आराम से चलानी है, पीछे और पीछे, हैंड ना तो ऐसे बजना चाहिए ना तो ऐसे बजना चाहिए। ये हैंड खड़ा हुआ है और हैंड की जो कलाई है ना, ये ऐसे सीधी नहीं रखनी, सीधी नहीं ऐसे जानी चाहिए, इसको हल्का टर्न कर लेना है, ये चीज़ डाउन। चलो एक बार फिर से बैक, ये देखो
अगर आप बॉडी को ऐसे 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 करोगे तो आपकी बॉडी भींगी हो जाएगी, ठीक है। यही चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि बॉडी भींगी ना हो, ठीक है। हैंड मूवमेंट बहुत आसान है, ये आप बैक करोगे, ये छोड़ दिया, छोड़ दिया, ठीक है। बल्कि ये मेन ऐसे बनती है, ऐसे, बल्कि आप जो ऐसे बनाओगे वो आप ऐसे ऐसे करोगे, ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जब आप बैक करोगे ऐसे और ऐसे नहीं बजना चाहिए हाथ, ठीक है। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जब आप ऐसे मारोगे तो दिक्कत होगी, अब पूरा हाथ चलाओगे तो क्या प्रॉब्लम होगी। वैसे पूरा हाथ अगर पूरा हाथ ऐसे ऐसे पूरा हाथ ऐसे भी वर्क करते तो कोई इशू नहीं है, बस इससे स्पीड कम और जोर ज़्यादा लगता है, ठीक है। अब ये वाला मैं करके दिखाऊंगा जिसमें मैं पूरा हाथ ऐसे पूरा हाथ वर्क करूँगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि इसमें मेरी बाजुओं का जोर ज़्यादा लगेगा, मैं जल्दी थक जाऊँगा। और किक कंटिन्यू करनी है आपने, ठीक है। ये मैं पूरा हैंड चला रहा हूँ जिसके कारण मेरा बहुत जोर लग रहा है, ठीक है। अगर मैं हल्का सा ऐसे डुबोने के बाद इतना खींचने के बाद फिर इसको ऐसे मारता हूँ तो मेरी स्पीड ज़्यादा रहती है। क्या होता है कि मैं फोर्स ऐसे लेके फिर इसको ऐसे फोर्स मारता हूँ जो पूरा फोर्स मेरा आगे को बढ़ने को रहता है, ठीक है। ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। तो चलो फ्रंट और बैक से दोनों साइड से देख लो कि कैसे जाना है। एक चीज़ बता दूँ कि मेरी ये बाजू थोड़ी खींच रही है तो दिक्कत आ रही है क्योंकि अभी खींच गई थोड़ी देर पहले। तो चलो बैक में एक बार आप देख लो। तो फ्रेंड अब बैक से देख लो और इसमें क्या होता है कि अभी मेरे सामने जो कैमरामैन खड़ा है तो उसके कारण मैं सीधा आ जाता हूँ, इसमें मुझे ब्लॉगिंग दिक्कत तो दिक्कत हो जाती है। तो चलो आप बैक देख लो। ओके फ्रेंड्स, क्या दिक्कत है, आपने ये प्रैक्टिस करनी है। कंटिन्यू करोगे आपकी मूवमेंट अपने आप एक्यूरेट हो जाएगी। तो आई होप कि इसमें आपको सब कुछ समझ में आ गया हो। हैंड मूवमेंट मैंने बाहर बता दी है, ठीक है। लेग्स के ऊपर मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा। तो चलो वीडियो का एंड करते हैं। फ्रेंड्स आई होप कि आपको बैक समझ में आ गई हो। बैक की मैंने कोशिश की है कि आपको पूरा समझ में आ जाए। मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि अभी जब मैं पानी में गया था मेरी एक बाजू ये वाली खींच गई थी, थोड़ी दिक्कत होगी जिसके कारण लास्ट में आ गया मैं महंगा जाने लग गया, जिसके कारण ये इशू आ रही है। तो इसमें कुछ स्ट्रेचिंग होती है इसकी, ये वाली बाजू राउंड एंड बैक ये थोड़ी कर लेना तभी बेनिफिट रहेगा, आपको स्ट्रेच नहीं होगा जैसे मेरे अब यहाँ से हो गया। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको बैक में समझ में आ गया। फुटवर्किंग जो चलेगी चलेगी, ठीक है, जो फ्री में चलती है, ठीक है, जो मैं फ्लोटिंग में बताई। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे कि अभी मुझे ग्रुप में दो चार जनों ने अपनी वीडियो भेजी थी, काफ़ी बढ़िया उन्होंने इम्प्रूवमेंट की है वीडियो देख के। तो उसमें क्या है कि आप एक चीज़ के ऊपर वर्क नहीं करते हैं, लेग्स मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेग्स मूवमेंट के ऊपर वर्क करो तो आपकी स्पीड तो बनेगी और साथ में आप, जैसे कि काफ़ी जनों के कमेंट आते हैं कि मैं पूरा नहीं कर पाता, वो इसलिए नहीं कर पाता, वो स्टार्टिंग में लेग्स करते हैं उसके बाद थोड़ा सा आगे जाने के बाद लेग्स मूवमेंट छोड़ देते हैं, इसलिए दिक्कत आती है। अदरवाइज कोई इशू नहीं है, ठीक है, काफ़ी मूवमेंट अच्छा कर रहे हैं। लेग्स मूवमेंट फोल्ड नहीं होनी चाहिए, लेग्स मूवमेंट सीधी रखो, पर जो जेन्युइन इतनी की फोल्ड होगी वो होएगी होएगी, जितना मर्जी स्ट्रेट रख लो, ठीक है। तो आई होप कि आपको बैक समझ में आ गई हो। अब बैक में मैं लेग मूवमेंट के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेग की प्रैक्टिस कैसे करनी है या हैंड की प्रैक्टिस कैसे करनी है, ये वीडियो एक और आएगी। और कोशिश यही थी कि मैं आपको जल्दी से जल्दी वीडियो दे दूँ। मैंने अपनी शॉप खोल ली है खुद की, जो कि है यूट्यूबर मनी लैमिनेशंस के नाम से है, ठीक है। मोबाइल लैपटॉप सारा कुछ लैमिनेशन करता हूँ, कैमरा कुमरा। तो उसी के चक्कर में मेरी पिछले वीक में वीडियो रहेगी, एक वीडियो ही डाल पाया क्योंकि मैं काम कर रहा था तो थोड़ा बिजी ज़्यादा चल रहा था इसलिए नहीं कर पाया, उसके लिए सॉरी। तो वो कमी मैं इस वीक में पूरी कर दूंगा, बल्कि 3 वीडियो डालूंगा इस वीक में, अदरवाइज मेरी वीक में 2 वीडियो आती है, उसके बाद वही रूटीन चलेगी 2 वीडियो। और कोशिश करता रहूँगा कि आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट देता रहूँ, जिसके ऊपर कमेंट आते हैं उसके ऊपर वीडियो बनाता रहूँ। बटरफ्लाई के ऊपर मैंने वीडियो बना दी है, बैक के ऊपर मैंने वीडियो बना रही है, बल्कि बन गई है मेरी, ठीक है। उसके बाद ब्रेस्ट स्ट्रोक पे वीडियो बना दिया, फ्री पे भी मैंने बना दिया, लगभग इस सेशन का मैंने पूरा कवर कर दिया है। अब क्या है,
डाइविंग के ऊपर भी मैंने वीडियो बना दिया है। लगभग एक समर शॉर्ट के ऊपर आज मैं वीडियो बनाऊंगा, मतलब कि जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो समर शॉर्ट के आएगी, गहरे पानी में कैसे स्टैंड रहे, ये सब कुछ वीडियो बना चुका हूँ। प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में जाके देखने का ये बेनिफिट रहेगा कि आपको पिछले सीजन की और इस सीजन की सारी वीडियो मिल जाएगी, स्टेप बाय स्टेप मिल जाएगी, ठीक है। उसमें से जो भी आपका इशू है वो आपका आराम से दूर हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं होता, व्हाट्सअप का ग्रुप डिस्क्रिप्शन में आप ज्वाइन करके मुझे पूछ सकते हो पर्सनली, और फालतू का मैसेज मत डालना। बस फ्रेंड्स, आज की वीडियो इतनी ही काफ़ी है, और चलो घर जाके इसका कुछ इलाज करते हैं, स्ट्रेचिंग स्ट्रेचिंग करते हैं। तो बाय फ्रेंड्स, थैंक यू वॉच द वीडियो, और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। इसी तरह टेक्निकल लवली मनी को भी सपोर्ट करो, और बस यही था। बाय फ्रेंड्स, थैंक यू वॉच द वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये है चैनल मेरा स्विमिंग बाय मनी, जिसके ऊपर आप स्विमिंग की वीडियो देख रहे हो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। ये है टेक्निकल लवली मनी, जिसके ऊपर मैं मोबाइल की अनबॉक्सिंग करता हूँ और अलग अलग गैजेट्स की। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो। थैंक यू वॉच द वीडियो।